जुगनू को मार डाला, हमारी जुगनू को मार डाला इसने। जुगनू जुगनू उठो, देखिए ना जुगनू 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 क्या सबूत है आपके पास कि जुगनू इन्वॉल्व थे इसमें? क्यों उसकी बेहुर्मती कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? सबूत नहीं है मेरे पास। सबूत नहीं है तो इल्जाम क्यों लगा रहे हो? शर्म नहीं आती तुम्हें तलाल? सबूत नहीं है भाभी, पर गवाह है मेरे पास। रोशनी अंदर आओ। आओ बोलो सबके सामने, वरना तुम भी अंदर जाओगी। तुमको मैंने उस दिन खुद सुना था जुगनू से बातें करते हुए। तलाल भाई सही कह रहे हैं, जुगनू और काश। बस रोशनी बस, नहीं उसको बोलने दें, बोलो तुम। जुगनू शादी नहीं करना चाहती थी। रोशनी हम सब ने जुगनू की बॉडी पे निशान देखे, क्यों कर रही हो तुम ये बातें? वो तो काशिफ ने उसको मारा था बाद में। मारा तो मगर क्यों? क्योंकि वो शादी नहीं रुकवा रही थी वादा खिलाफ। बस
बड़ी दोस्ती थी ना तुम लोगों की, तुम्हारी वो दोस्त भी गई और दूसरा दोस्त काशिफ वो भी पकड़ा गया। क्या मतलब? मतलब ये कि मर गई है जुगनू और काशिफ उसको भी साथ में ले डूबी। आपका दिमाग तो खराब नहीं है क्या? आप काशिफ के ऊपर सारा नाम डाल रहे हैं? मैं तो सिर्फ नाम ले रहा हूँ, तुम गवाही दोगी? मैं किस बात की गवाही दूंगी? तुम सबको ये कहोगी कि जुगनू और काशिफ के आपस में मरासिम थे जिसकी वजह से वो प्रेग्नेंट हुई और इसी वजह से वो गुड्डू से शादी नहीं करना चाहती थी। प्रेग्नेंट नहीं, वो आपका बच्चा था, वो सब आपने किया था। नहीं, वो सब मैंने नहीं किया था, वो काशिफ ने किया था। सबको तुम यही कहोगी। काशिफ जुगनू के साथ जबरदस्ती करने का सोच भी नहीं सकता। तो मैं कब कह रहा हूँ कि उसने जबरदस्ती की? उन दोनों के आपस में ताल्लुकात थे। देखो अगर तुम ऐसा कहोगी तो इसमें तुम्हारा ही फायदा है। मुझे कोई फायदा नहीं चाहिए। गुड्डू तो चाहिए ना तुम्हें? चाहिए ना गुड्डू? हाँ गुड्डू। अगर गुड्डू को पता चला कि मैंने जुगनू के साथ जबरदस्ती की है तो वो जुगनू के साथ होने वाले जुल्म की वजह से जिंदगी भर खुद को कोसता रहेगा। तो क्या वो काशिफ का नाम सुन के नहीं तड़पेगा? नहीं, वो जुगनू और काशिफ के मरासिम सुन के जुगनू से मजीद नफरत करेगा। क्या हुआ, आप सोच क्या रही हो? इससे पहले काशिफ मेरा नाम ले, तुम गुड्डू के दिल में जगह बना लो, उसके टूटे हुए दिल को सहारा दो जाके। मैं सबको बताऊंगा, ये सब तलाल ने किया। नहीं, सोचना भी मत अब्बा, सोचना भी मत। क्या कर लोगी तुम? अगर तुमने मेरे और गुड्डू के बीच में आने की कोशिश की ना तो मैं तुम्हारे सारे काले कारनामे अमीरुद्दीन भाई को बता दूंगी। रोशनी, तू मेरी बेटी है। हाँ भाई, खड़ा करो इसको, बिठाए क्यों है? बहुत शौक है ना तुम्हें लड़की को मार के भागने का? साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब, वो लोग मुझे फंसा रहे साहब। मैं जब आ गया तो वो पहले से मरी हुई थी, वो लोग मेरे पे इल्जाम लगा रहे हैं, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं क्यों मारूंगा? तू बोलेगा, हमसे आज तक कोई बच सका है जो तू बचेगा? सच बोल रहा हूँ मैं, माफ कर दो, मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया साहब। मुनीर जरा ये डंडे पे तेल लगा क्या? मैं कुछ नहीं किया मैंने। शराफत से बोल दे जो तूने किया है, ये तेरे लिए भी बेहतर है, हमारा भी टाइम बच जाएगा। क्यों 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 किया ऐसा? क्या किया बाबे ने? तुम तो उसकी दोस्त थी, फिर तुमने उसके साथ ऐसे कैसे कर लिया? क्या किया माँ मैंने? तुमने उसे बदनाम क्यों किया? क्यों नहीं कहा कि उसके साथ जुल्म हुआ था? कौन से जुल्म किया अम्मा? तुमने मुझे फोन पर सब बताया था, फिर क्यों उसे काशिफ के साथ बदनाम किया? क्यों कहा कि काशिफ के साथ उसके ताल्लुकात थे? क्यों नहीं कहा कि उस पर जुल्म हुए थे? वो मर गई है अब्बा, वो मर गई है। तो मैं जिंदा हूँ, मुझे अपनी खुशियाँ मिल सकती है। उसकी लाश पर पांव रखकर तुम्हें कौन सी खुशियाँ मिल सकती है?
अबा, मैं गुड्डू को पा सकती हूँ? ये क्या कह रही हो तुम? तुम और गुड्डू? अबा, गुड्डू मेरा हो सकता है? वो तो तुम्हें उसे बदनाम किए बगैर भी मिल जाता। वो गरीब तो मर ही गई थी। नहीं अब्बा, मर के भी हमारे बीच में रहती। हमारे बीच ना हमेशा स्टेटस का फर्क रहता। तो अब क्या होगा? क्या हमारे और उनके दरमियान ये फर्क खत्म हो जाएगा? अब्बा, हो जाएगा। कैसे? वो अब्बा तलाल भैया ना, उन्होंने मुझे बोला था कि घर वालों से बात करेंगे। तलाल ने किया है ये सब? तलाल ने कहा है तुम्हें? नहीं, नहीं, मैं सबको बताऊंगा ये सब तलाल ने किया है। नहीं, सोचना भी मत अब्बा, सोचना भी मत। तो क्या कर लोगी तुम? अगर तुमने मेरे और गुड्डू के बीच में आने की कोशिश की ना, तो मैं तुम्हारे सारे काले कारनामे अमीरुद्दीन भाई को बता दूंगी। रोशनी, तू मेरी बेटी है? हाँ, मैं तुम्हारी बेटी हूँ। और अब तुम भी ना बाप होने का फर्ज निभाओ और मेरा साथ दो। वो काशिप को पुलिस पकड़ कर ले गई है। तो, हाँ, सही है। वो उसकी अपनी बेवकूफी थी, उसको वहां जाना ही नहीं चाहिए था। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं जुगनू के बारे में? हमारी बेटी थी वो। मर चुकी है जुगनू, और अब इस घर में उसका कोई जिक्र नहीं होगा। जब एक दफा मना कर दिया तो मना कर दिया। अगर काशिप ने मोकाला किया था तो गुड्डू को कैसे पता नहीं चला? वो कैसे अनजान रहा? वीना ने कैसे सारा इल्जाम गुड्डू पर डाल दिया? काशिप आस्तीन का सांप था, उसने जबरदस्ती की होगी। चुकनू ऐसी नहीं थी, मैंने खुद बड़े होते हुए देखा है। कब तक चुप कराएंगे आप तलाल? कब तक चुप कराएंगे? जब तक चुप करवा सकता हूँ तब तक करवाऊंगा, लेकिन ये सोच लो कहीं ऐसा ना हो कि मैं हमेशा के लिए चुप करवा दूं उसे। इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लिया उसको।
हाँ सब उगलवाएं उससे, और अगर नहीं बोले तो साले की खाल उधेड़ दे, सब बोलेगा सच। जी ठीक है। दलाल दलाल एक बार मेरे कहने पे प्लीज काशिफ से पूछ ले, उसे सिर्फ इतना पूछ ले कि इतनी गहरी दोस्ती में उसने ये सब कैसे किया। तो तुम क्या चाहती हो, मैं उसको घर पे बिठा के दावत दूं, चाय पिला के पूछूं कि उसने ऐसा क्यों किया? नहीं नहीं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ दलाल, मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ कि एक बार उससे पूछ ले। दलाल मुझे मुझे रोशनी पे यकीन नहीं हो रहा है। खबरदार, तुम इस मामले से जितना दूर हो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। कब तक चुप कराएंगे आप दलाल, कब तक चुप कराएंगे? जब तक चुप करवा सकता हूं तब तक करवाऊंगा, लेकिन ये सोच लो कहीं ऐसा ना हो कि मैं हमेशा के लिए चुप करवा दूं उसे। क्या अरे नहीं, मैं मजाक कर रहा था। तुम्हें वाकई लगता है कि मजाक का टाइम है? नहीं, मजाक का वक्त नहीं है, तुम सही कह रही हो। मुझे बहुत गम है उसके जाने का। ये देखो मुझे रोना भी आ रहा है उसके जाने पर। बेचारी बहुत पहले चली गई, कितनी प्यारी लड़की थी ना वो। बहुत अच्छी थी। हाँ बहुत प्यारी लड़की थी वो, तुम रो नहीं। आप मुझे कुछ बताते क्यों नहीं? और क्या जानना चाहती हो तुम है? सब कुछ तुम्हारे सामने ही तो है। जुगनू बिल्कुल ठीक थी। फीना, तुम जानती हो कि मसला क्या था? क्या मसला था? वो पेट से थी और ये बात तुमने मुझे नहीं बताई। कैसे बताती? इसका मतलब कि तुम जानती थी ना। कब से? कल ही तो डॉक्टर के पास गई थी वो। और तुम ये भी जानती थी कि ये सब कुछ काशिफ की वजह से हुआ है। काशिफ? हाँ काशिफ। ये क्या कह रहे हैं आप भाईजान? बस सारा, इसके बाद अब मैं कोई बात नहीं करना चाहता। अगर अभी भी बात नहीं करेंगे तो कब करेंगे? करा लेते ना पोस्टमार्टम उसका, कम से कम सच्चाई सामने तो आती। दिमाग खराब है तुम्हारा, पोस्टमार्टम करवा लेता जानती हो क्या होता? पुलिस घर में आ जाती और कच्चा चट्टा सामने खुलकर आ जाता। जो कुछ सामने आ चुका है ना ये काफी है। और अगर ये बात घर से बाहर निकलती तो तुम्हें पता है कि सबकी कितनी बेइज्जती होती। वो तो उसी दिन हो गई थी जब उसके साथ गलत किया गया था। क्या किया गया था? उसकी इज्जत तार तार की गई थी। इज्जत को तार तार किया गया था? उसकी इज्जत को तार तार किया गया था या फिर अमीर दिन बेटी थी ना आपकी, इतना तो उसका हक बनता है।
कम से कम उसके कातिलों को तो सामने लाए। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि काशिफ को सामने देखने के बाद भी तुम लोगों को सबूत चाहिए। बहुत ज्यादती हो रही है उसके साथ। बस बस अब इसके बाद इस घर में और कोई एक लफ्ज नहीं कहेगा। बस लेकिन अगर वो मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी तो उसने मुझे खुद क्यों नहीं कहा कि मैं काशिफ को पसंद करती हूँ, उससे शादी करना चाहती हूँ। बस ये बात मेरे दिमाग में नहीं बैठ रही भाभी, मेरा ना दिल फट रहा है। गुड्डू तुम्हें लगता है कि जो कुछ भी हुआ है ये सब काशिफ ने किया है? गुड्डू गुड्डू भाभी, वो जुगनू जुगनू चली गई। सबर करो बेटा, दोस्त थी वो भाभी, मुझसे हर बात शेयर किया करती थी। वो उसको काशिफ से शादी करनी थी तो मुझे बोल देती ना, मैं करवा देता, मैं उसके रास्ते से वैसे ही हट जाता। गुड्डू वो ऐसी नहीं थी। यही तो मुझे समझ में नहीं आ रही भाई, एक अजीब सी उलझन हुई भी समझ में नहीं आ रही। लेकिन फिर वही सोचता हूँ भाभी कि उसने शायद शादी से इसलिए मना किया था। उसने तुम्हें भी मना किया था शादी के लिए? गुड्डू बोलो, जुगनू क्या हुआ है? बोलो। जाते जाते एक एहसान करोगे मुझ पे? बोलो कहो। शादी से मना कर दो जी।
बहुत मिन्नत की थी उसने मेरी, हाथ जोड़कर मैं आंसू भरकर कहा था उसने मुझे। उस दिन बहुत तकलीफ में थी वो भाभी। तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया ये बात पहले? मैं आया था आपके पास लेकिन आप मिली ही नहीं मुझे। मैंने अमीर भाई को भी बताया लेकिन किसी ने मेरी बात को सीरियस नहीं ली। काश उस वक्त वो शादी हम रोक देते भाभी। फिर भाईजान ने उस वक्त क्या कहा? उन्होंने बोला कि बहुत देर हो चुकी है, अब फायदा नहीं है, शादी नहीं रोक सकते, सब तैयारी हो गई। लेकिन क्या तुमने उनको ये बताया था कि जुगनू मना कर रही है शादी के लिए? नहीं भाभी। क्यों गुड्डू? भाभी इसने मना किया था मुझे लेकिन अगर वो मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी तो उसने मुझे खुद को नहीं कहा कि मैं काशिफ को पसंद करती हूँ, उससे शादी करना चाहती हूँ। बस ये बात मेरे दिमाग में नहीं बैठ रही भाभी, मेरा ना दिल फट रहा है। गुड्डू तुम्हें लगता है कि जो कुछ भी हुआ है ये सब काशिफ ने किया है? क्यों बदनाम हो गए? बल्कि उल्टा तुम्हारे सर से वो नाम हट गया, वरना लोग तुम्हें कसूरवार समझते रहते। कैसा नाम, कैसा कसूर? यहाँ तो सब समझ रहे क्या करा है तुम्हारा ये और ये बच्चा भी। क्या बात है? ना जिस घर में किसी को खाना या नाश्ता नहीं मिलेगा। सबको पता है कि इस घर में मौत हुई है। तो फिर कब तक हम मना रहे हैं? और ऐसे ही फाके करते रहना? मरने वाली को आप बेटी कहते थे, जरा सा भी एहसास नहीं हमको? मरने वाली को बेटी कहता था जैसे वो हमें छोड़ के गई, क्या उसे एहसास था? हाँ नहीं है मुझे एहसास। आपको किसी की तकलीफ का, किसी के दुख का कोई एहसास नहीं। आपके सामने सारे रिश्ते, खानदान की इज्जत बेमायने है। मेरे लिए रिश्ते, खानदान और खानदान की इज्जत क्या मायने रखती है? वो मुझे किसी और को बताने की जरूरत नहीं है। जरूरत को औलाद की तरह पालने वाला ये कह सकता है कि आज उसके सामने खानदान की इज्जत मायने है। Thank you.
अमीर दीन और रीना अभी तक सो रहे? नहीं बेबो, अमीर दीन भाई तो फैक्ट्री भी चले गए और बाकी सब लोग तो सुबह ही उठ गए थे बेबो। तो फिर पूरा घर साय-साय क्यों कर रहा है? बेबो आपको तो पता ही है, हंसने मुस्कुराने वाली, शोर करने वाली तो चली गई ना, अब कौन किससे अटकेलियां करेगा बेबो? गुड्डू कहाँ है? गुड्डू अंदर अपने कमरे में खामोश बैठे। अच्छा जाओ गुड्डू को भेज दो। जी अभी भेजती। जिंदगी ऐसे नहीं रुकती बेटा, जो होना था हो गया। तुम्हारी खुशी के लिए तो हमने हर बात मान ली थी ना। मेरी खुशी? मुझे तो लगता है कि मैं और मेरी खुशी उसको खा गए। मत सोच बेटा, उसको ऐसे ही जाना था, चली गई। मुझे बदनाम करके, सबके सामने सवाल बनाकर। पागल हुआ है क्या? तुम क्यों बदनाम हो गए? बल्कि उल्टा तुम्हारे सर से वो नाम हट गया, वरना लोग तुम्हें कुसूरवार समझते रहते। कैसा नाम, कैसा कसूर? बेटा यहां तो सब समझ रहे हैं क्या करा है तुम्हारा ये और ये बच्चा भी। आपको भी ऐसा लगता है क्या? नहीं नहीं बेटा, इस बात की तो शर्मिंदगी है कि मैंने अपने खून से ज्यादा दूसरों के घड़े झूठ पर भरोसा किया। मैं तो उसको बहुत मोहब्बत और इज्जत के साथ रखना चाहता था। देखो जानती हूँ बेटा, तुम मेरे बेटे हो, तुम ऐसा कुछ कर नहीं सकते, खासकर झुकनू के साथ सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन एक ज्यादती कर गया मैं उसके साथ। कौन सी ज्यादती? उससे मंगनी करके, उसकी मर्जी के बगैर उससे मंगनी करके, उसकी वजह से उसकी जान चली गई है। बेटा बस तू मुझे माफ कर दे, मैंने तुझ पर शक किया, नाराज भी रही, माफ कर दे मुझे। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है बेबो, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। निकलता हूँ। कहाँ जा रहे हो बेटा? फैक्ट्री जाऊंगा, काम भी तो देखना है मुझे। ख्याल रखना। अल्लाह मेरे बच्चे को ठीक कर दे। क्या हाल हो गया मेरे बच्चे का? या अल्लाह रहम कर हम पर। तुम्हारे भाई को सुकून नहीं मिला, हमसे सब कुछ छीन के और तुम आ गए हो हमारे जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए। भाभी मेरा भाई बेकसूर है। मुझे तुमसे कुछ नहीं सुनना। मैं आपसे बात किए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी। वो मर चुकी है, शी इज नो मोर। वो घर की फर्द तो थी ना तलाल? फर्द थी लेकिन इस घर का खून नहीं, किसी और की औलाद थी वो। तलाल तुम्हें मैं इतनी खुद गर्ज लगती हूँ कि मैं जुगनू का हक खाती? हाँ मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारी वो दोस्त हूँ जो हर बुरे वक्त में तुम्हारा सहारा बने। लेकिन फिर भी गुड्डू मैं जुगनू का हक कभी भी नहीं खाती। अगर वो मेरी सौतेली बेटी थी तो? सगी होती ना तो उसकी इज्जत के साथ नहीं करते जो किया है। अमीर जी खुद को संभालो, क्या हुआ है? संभालो अपना। बीना 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 जल्दी आओ, क्या बच्चे संभालो अपने।